सो वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूं एक रिमोट कंट्रोल किंग कोबरा। बहुत ही खतरनाक किंग कोबरा है गाइस, वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, बहुत ही मजा आएगा आज की वीडियो में आपको। दोस्तों, इस रिमोट कंट्रोल किंग कोबरा को मैंने खरीदा था फ्लिपकार्ट से। इसका प्राइस भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा फ्लिपकार्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा हमारा किंग कोबरा और इसका प्राइस है 1640। आप अगर इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर आप इस किंग कोबरा को खरीद भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको मैं इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। ये आ जाता है हमें हैमलेस की तरफ से, देख सकते हो ये कलर का किंग कोबरा है इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पे सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि सुपर रियलिस्टिक एंड फास्ट मूविंग है, रिट्रैक्टेबल टंग है एंड स्विंगिंग टेल है, एक शेप्ड इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल है, यूएसबी चार्जिंग है। यहाँ पे भी लिखा है रिमोट कंट्रोल कोबरा बोलकर। तो बॉक्स के पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बॉक्स के पीछे की ओर यहाँ पर कुछ वार्निंग्स लिखी गई है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसकी यहाँ से कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। ओ माय गॉड गाइस, आप देख सकते हो कितना जबरदस्त कलर लग रहा है इस किंग कोबरा का। तो पहले हमारे कोबरा को ही निकाल लेते हैं हम बाहर। वाओ, इसे रख देते हैं साइड में। ये रहा इसका रिमोट और यहाँ पे है इसका चार्जर। तो यहाँ पर इसकी बैटरीज आ जाती है जो कि हमें रिमोट के अंदर यूज करनी होती है। मैंने ऑलरेडी यहाँ से बैटरीज निकाल कर इसके रिमोट में डाल दी है गाइस। वो नीचे भी कुछ है मैं आपको बता देता हूँ, लगता है ये इसकी वारंटी गाइड है। तो यहाँ पे देख सकते हो हिंदी में भी लिखा हुआ है और इस आरसी स्नेक को हमें किस तरह से यूज करना है सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। इसके अंदर बैटरी किस तरह से इंस्टॉल करना है सारी चीजें बताई गई है यहाँ पर। पता नहीं ये एक और पेज मिला है इसके अंदर। तो चलिए इन सारी चीजों को हटा देते हैं साइड में। तो अभी हमारे किंग कोबरा को मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। देख सकते हो गाइस, इसका कलर ना यार मुझे एकदम ऑसम लगा, बहुत ही बेहतरीन कलर है इसका। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आप देख सकते हो गाइस, क्या कमाल का फ्लेक्सिबल है ये। और इसके यूजर मैनुअल में लिखा है कि गाइस ये बिल्कुल किंग कोबरा की तरह ही चलता है। तो यहाँ पर दो टायर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर भी और ढेर सारे टायर्स हैं। तो देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है यार ये। और इसकी क्वालिटी तो मुझे एकदम ऑसम लगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पे इसका इंफ्रा रेड और ये रही इसकी टंग, ये रहे इसके टीथ। यार लगता है ये तो रबर के बने हुए हैं। तो इसे ऑन करके भी देखते हैं। बॉक्स के ऊपर लिखा था कि यहाँ से एक लाइट आती है रेड कलर की। तो इसका ऑन ऑफ वाला स्विच आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा। इसे ऑन कर लेते हैं यहाँ से। हाँ यार देख सकते हो यहाँ पर एक लाइट भी जल रही है रेड कलर की। इसके आईज की डिटेलिंग मुझे काफ़ी बेहतरीन लगी दोस्तों, वाओ। तो इसे रख देते हैं यहाँ पर। ये रहा इसका चार्जर। इस स्नेक को हम यहाँ से डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे चार्जिंग वाली एक पिन भी दी गई है। इसके अंदर की बैटरी हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है गाइस। ये रहा इसका रिमोट, एक शेप वाला रिमोट मिल जाता है हमें। यहाँ पे हमें डालनी होती है तीन बैटरीज, बहुत ही छोटी छोटी बैटरीज आ जाती है गाइस, वो बैटरी हमें यहाँ पर डालनी होती है। भाई कमाल का रिमोट लगा मुझे ये। तो यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसीज भी दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी है। मैंने इसे ऑलरेडी अभी सी पर सेट कर रखा है। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, इस स्नेक को करके देखते हैं टेस्ट, क्या ये स्नेक सच में किंग कोबरा की तरह चल सकता है क्या। Thank you.
तो माय डियर दोस्तों, इस किंग कोबरा को मैंने कर लिया है टेस्ट। गाइस मैं आपको यहां पर सच सच बताने वाला हूं, मैंने जितना सोचा था यार इस किंग कोबरा के बारे में ये ऐसा चलेगा वैसा चलेगा, पर गाइस मेरे एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये किंग कोबरा बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, मैंने इसीलिए खरीदा था कि इसे ये बहुत ही यूनिक सी चीज है यार, बहुत ही अलग किस्म का टॉय है, इसीलिए मैंने इसे खरीदा था। तो मेरे पास एक और इस तरह का स्नेक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये रहा दोस्तों, ये एक रैटल स्नेक है, इसे मैंने अमेजोन से ही परचेस किया था 1500 रुपीज में। इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, शायद आप लोगों ने देख भी ली होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी है तो गाइस इसकी फुल वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस RC रैटल स्नेक की वीडियो देख भी सकते हो। आने वाले दिनों में गाइस मैं इन दोनों ही स्नेक्स को कंपेयर भी आपको करके बताने वाला हूँ कि दोनों में से कौन सा वाला स्नेक आपको खरीदना चाहिए। दोस्तों आप अगर कोई यूनिक सा दिखने वाला टॉय खरीदना चाहते हो तो यार इस रिमोट कंट्रोल वाले किंग कोबरा को आप जरूर से खरीद सकते हो, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों अभी हम दे देते हैं शाउट आउट। दोस्तों कल मैंने एक RC शार्क की अनबॉक्सिंग की थी, बहुत ही खतरनाक RC शार्क थी, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो गाइस, बड़ा ही कमाल का वीडियो है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आ जाता है आराध्या शर्मा, विवेक, MD यूसुफ अंसारी, कौशल शर्मा, नूतन सिंह, अंशुमन, डेविड शिवमणि, ओजस गायकवाड़, तलहा कोटवाल, ईशान मंडल, रितेश कुमार रावता, साई बडाडे, निशा अधिकारी, प्रीतम। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 15 लोगों के नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पर लाइक करेंगे इस वीडियो को और नीचे एक अच्छा वाला कमेंट करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है खत्म, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।